कृष्ण भगवान की इस पोजीशन का आज मैं आपको एक रहस्य बताने वाला हूँ। आप लोगों ने इंडिया के पुराने मंदिर की दीवालों के ऊपर भी इसी प्रकार के पुराने देवी देवताओं के स्कल्पचर्स में उनको इसी पोजीशन में देखा होगा। इस पोजीशन को त्रिभंगा पॉज कहा जाता है। भरतनाट्यम में भी इस पोजीशन का काफी महत्व है, लेकिन आप एक चीज ऑब्जर्व करो, यहाँ पर सब जगह पर म्यूजिक एक कॉमन चीज है। भरतनाट्यम का म्यूजिक, कृष्ण भगवान की फ्लूट, ऐसा क्यों? कभी ऑब्जर्व करना, जब आप आराम से बैठे हो और जब आप इनहेल करते हो, जितनी सांसें भर पाओगे ना वो बहुत ही कम होगी। उसके बाद खड़े हो जाना, अपने शरीर को स्ट्रेच करना, उसके बाद सांसें इनहेल करना और सेकंड्स गिनना, आप ज्यादा सांसें इनहेल कर पाओगे। उसके बाद खुद त्रिभंगा पोज में आ जाना और उसके बाद सांसें इनहेल करना, आप ऑब्जर्व करना, आपके शरीर में और ज्यादा सांसें जा पाएगी। तो ये जो त्रिभंगा पोज अलग अलग जगह पर स्कल्पचर्स में दर्शाया गया है, ये हमें एक मैसेज कन्वे करना चाहता है, यानी कि आपके तीन गुण सत्वस, रजस और तमस, ये दर्शाता है कि आप अगर अपने ब्रीदिंग पे कंट्रोल करते हो तो आप अपने इन तीनों गुणों को हार्मनी में लेके आ सकते हो। तो ये कारण है। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। वीडियो को